इस वक्त इस मुल्क में भी मैं एक बात कहूंगा, हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि एक कौम को, आधी कौम को एक नजरिए पे लेके जाए, आधी कौम को दूसरे नजरिए पे लेके जाए, हम डिवाइड होते जा रहे हैं फर्दन फर्दन, कभी हम पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड होते जा रहे हैं, कभी कभी हम अपने मसलिकों में डिवाइड होते जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से हम डिवाइड होते जा रहे हैं, कभी हम लोग खुदा ना खासा अपने इदारों पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, कभी हम किसी और मैच में निकल जाते हैं, कुछ लोगों को, कुछ लोग नाराज़ भी हैं हमसे। मेरी कोशिश होगी कि इस वक्त मुल्क में, मेरी कोशिश होगी और मेरी ख्वाहिश है, कोशिश तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ जो जैदी साहब ने कहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे कोई बात अगर कोई सुन रहा है तो उसको करे कि एक नेशनल डायलॉग करके सब लोग एक पेज पे आए। ये मुल्क है तो हम सब लोग हैं, पाकिस्तान है तो हम लोग सब लोग हैं। जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली 3.5 साल में इकॉनमी की हालत कर दी गई है, और जो आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं, इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, कल भी कराची में एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, कराची यूनिवर्सिटी में एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि मौका ना दें कि दुश्मन ममालिक के लोग हमारे इन डिफरेंसेस का कोई फ़ायदा उठाएं। और ये मैं कोई पॉलिटिकल तकरीर नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं एक दिल से एक बात कर रहा हूँ, हमारे जितने भी छोटे बड़े इशूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व करें, जिस मतलब अगर कहीं पर भी कोई इशूज, मैं कहता हूँ उसमें जुडिशरी भी रोल प्ले करें, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पॉलिटिकल पार्टी सब कोशिश करें कि हम लोग किसी तरीके से इस मुल्क में सारी कौम एक हो। आप देखें हम एक कब बनते हैं, जब या तो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो पूरी कौम जो है टीवी पे पाकिस्तान की दुआएं कर रही होती है, तब एक बनते हैं। उसके अलावा कितने मौाक़ों में हमने, आपने देखा है हम एक होते हैं, हम ईद की नमाज अलग अलग मस्जिदों में बैठ के पढ़ रहे हैं, हम हर चीज़ में, हमारे सब के जो है वो किबले मुख्तलिफ हैं। कोशिश करें कि कौम को एक करें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो वैधानियत है, पाकिस्तान की मजबूती हम सब पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है, हमें मरना यहाँ पे, हमें दफन यहाँ होना है।